हरदा यूपीएससी 2019 की परीक्षा में सफलता पाने वाले हरदा के एक छोटे से गांव से नाता रखने वाले मयंक गुर्जर का नाम भी शामिल है। उन्होंने देश भर में 455वीं रैंक मिली। मयंक के पिता नहीं है, लेकिन मौत के पहले वो मयंक की माँ से कहकर गए थे कि मकान बेच देना, लेकिन बेटे की पढ़ाई मत रुकने देना। माँ ने स्टोर कीपर की नौकरी कर बेटे को पाला और इस मुकाम तक पहुँचाया। निधन से 8 दिन पहले पिता ने कहा था, मयंक की माताजी प्रेमलता गुर्जर 12वीं तक शिक्षित थे। पति के गुजर जाने के बाद माँ प्रेमलता ने पिता की जिम्मेदारी भी खुद निभाई। वो बताती है कि 2 साल तक उनके पति बीमार रहे। देहांत के 8 दिन पहले मयंक के पिता ने उनसे कहा भी था कि भले मकान बेच देना, पर मयंक को आगे बढ़ाना। बस पति की इसी अंतिम बात को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। बिना कोचिंग सफलता मयंक ने पिता के निधन के बाद ही इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया था। आईआईटी मुंबई में वो सेलेक्ट भी हो गए थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने आईआईटी ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो अपनी माँ को उस समय छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। कुछ समय बीतने के बाद उन्होंने फिर एग्जाम दिया और दोबारा सेलेक्ट होकर मुंबई आईआईटी पहुंचे। मुंबई में 4थे साल में मयंक ने यूपीएससी की तैयारी की। लाइब्रेरी में बैठकर वो 2 घंटे पढ़ते थे। खास बात यह है कि मयंक ने ये सफलता बिना कोई कोचिंग किए हासिल की। हरदा से अंकुश कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट।